नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई ओमान से रिलेटेड। जी हाँ भाई, ओमान से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ओमान ने भी भाई कुछ कड़े नियम बना दिए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इलीगल एक्टिविटी या फिर पोर्नोग्राफी या फिर पोर्न फिल्में देखना, साइट पे जाना वगैरह वगैरह, जो इंटरनेट से संबंधित है आप मान सकते हैं। उस पे बता दूं, पहले सऊदी ने कानून बनाया, वीए ने कानून बनाया, अब ओमान ने तीसरे नंबर पे कानून बना दिया है अच्छी तरीके से। हालांकि ये तो कंट्रियों में सब में बैन है, गल्फ कंट्रीज में, लेकिन फिर भी इसका लिखित में कोई ऐसा ओमान ने बनाया है। तीसरे देश की हम बात करें तो ओमान ने कानून बना दिया भाई 2021 में पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, इसमें अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हुए पाए जाते हैं तो बता दूं सजा और जुर्माने के साथ जेल का ऑप्शन, प्लस आपको देश से निकाला भी जा सकता है। डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दे भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज ओमान से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ओमान ने भाई 2021 में एक कानून बना दिया है, बता दूं पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। सरकार की तरफ से सरकारी अधिवक्ता उन्होंने बयान जारी करके साफ साफ बोला है कि आप वही चीज एक्टिविटी कर सकते हैं जिसका सरकार ने इजाजत दी है। जैसे कोई भी इंटरनेट में आप मूवी देख रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, वो तो सरकारी नॉर्मल है, आप सब कुछ करते हैं, आप सबको पता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन सरकार जो बोलती है कि जैसे पोर्नोग्राफी में आप किसी का प्रचार कर रहे हैं, मूवी जो है इधर उधर शेयर करना, प्रकाशन करना उनका, ठीक है, या फिर खरीदना, बेचना, आयात करना, ये चीजें आप देखते हुए पकड़े जाते हैं और इन्फॉर्म हो जाती है, पुलिस केस हो जाता है, तो सीधा सीधा आपको 1 साल की सजा के साथ 1000 ओमानी रियाल का जुर्माना लगेगा। जी हाँ, और गल्फ कंट्रीज में अगर मुकदमा लगता है तो जेल काटने के बाद में आपको सीधा वहां से ब्लैकलिस्ट लाइफ टाइम में करके, अगर पुलिस केस होता है तो आपको अपने देश भेज दिया जाता है। चाहे आप इंडिया के हो तो आपको इंडिया लाइफ टाइम बैन हो जाओगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। सरकार ने क्या बोला है कि केवल अधिकृत जो सरकार द्वारा गाइडलाइन है उसके अंदर आप अपना काम रह के कर सकते हैं, जैसे मूवी, इंटरनेट देखा, अपना काम करना, कुछ भी है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें अगर गलत तरीके से आप एक्टिविटी आपकी पाई जाती है, जिसमें आप गलत तरीके से अपने मोबाइल में फॉरेन फिल्में देखना, उनको सेल करना, दूसरों को शेयर करना, उनको आयात निर्यात यानी बेचना, उनको बिजनेस की तरह इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल गलत है, उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। 1000 ओमानी रियाल के साथ 1 साल की सजा फिक्स है। जी हाँ, इसके अलावा सरकार ने और भी बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड का मतलब बच्चों की जो पोर्न फिल्में होती हैं उनके ऊपर भी सरकार ने नियम बनाया है। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी पाई जाती है, उनकी फिल्में बनाना या फिर उनकी फिल्में आगे शेयर करना, बेचना, खरीदना, इंपोर्ट करना, दूसरे देश से मंगवाना, इस तरह से अगर आप करते हुए पाए जाते हैं, उनकी डीवीडी वगैरह डुप्लीकेट बनाना, इस तरह से पाए जाते हैं, तो बता दूं 3 साल की सजा के साथ 5000 ओमानी रियाल जुर्माना है। जी हाँ, अब 5000 ओमानी रियाल का आप देख सकते हैं कितना बनता है, एक का 240 रुपए के समथिंग बनता हो, तो आप समझ सकते हैं एक का लगभग 200 के करीब बनता होगा भाई, इतने के करीब होता होगा, तो आप समझ सकते हैं कितना आपका जुर्माना हो सकता है। एवरेज मान सकते हैं आप कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो इन चीजों से आपको बचना जरूरी है। आगे सरकार ने यह भी उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि ओमान सरकार द्वारा जो ब्लैक साइड हैं, ब्लैक साइड कौन सी होती है, जो गलत एक्टिविटी करती हैं, ठीक है, या फिर कोई आईपी एड्रेस से रिलेटेड हो गया, जो गलत एक्टिविटी जो सरकार वहां की उनको खत्म करके रखती है, और वो बीपीएन के द्वारा उनका आईपी एड्रेस चुरा के उन तक पहुंचना, ठीक है, एक तरह से हैकिंग समझ सकते हैं नॉर्मल तरीके से, इस तरह से अगर आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जी हाँ, हालांकि इसका यहाँ पे ये नहीं बताया इतना जुर्माना वगैरह है, लेकिन उसके ऊपर भी मुकदमा बनेगा और कार्रवाई की जाएगी। तो आपको इन चीजों की सावधानी से भाई बचना जरूरी है। भरोसे कहीं आप हंसी में आप फंस जाए, कहने का मतलब ये, तो बाकी समझदार आप हैं खुद, और अगर नहीं है तो भाई ये समझ लीजिए, और भी अपने साथी लोग हैं उनको जरूर बता दीजिए। गल्फ कंट्रीज में ये सब चीजें अलाउ नहीं है, आप सबको पता ही होगा। हालांकि यूरोप कंट्री में तो इनको मान्यता मिली हुई है, सब कुछ छूट है, चल जाता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में, यहाँ मॉडर्न कंट्री है, यहाँ पे इन चीजों को अलाउ नहीं किया जाता है। तो पहले सऊदीया ने इसके ऊपर कड़ी कानून बनाए, यूएई ने कड़े कानून बनाए, अब ओमान ने भी इनके ऊपर कड़े कानून बना दिए,
और 2021 में देखते हैं और क्या क्या नए कानून आते हैं, तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। बाकी अभी के लिए ये न्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चीजों से बचें और अन्य लोगों को भी बचाएं, ताकि आपका भी बहुत से सुरक्षित रहे और साथियों का भी बहुत से सुरक्षित रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।